रिकॉर्ड का मैं आपको बता देता हूँ। अपने डेटाबेस के प्रोजेक्ट में मैं डिलीट की कमांड यूज कर रहा हूँ, डिलीट फ्रॉम अटेंडेंस वेयर स्टूडेंट आई डी इज इक्वल टू 1003234 3। ये जो मेरी 1003234 3 स्टूडेंट आई डी थी, मैंने अब डिलीट कर दिया जिधर डेटा स्टोर था। पहले स्टोर था 1003234 3, उमर शहजाद का मैंने डेटा डिलीट कर दिया। अब देखें उमर शहजाद का नाम ही नहीं है लिस्ट में। ग्रांट परमिशन टू स्टूडेंट टू सी स्टूडेंट्स एंड अटेंडेंस रिकॉर्ड, ग्रांट सेलेक्ट ऑन स्टूडेंट्स टू स्टूडेंट्स, कि स्टूडेंट्स अपना रिकॉर्ड देख सकें। ग्रांट सेलेक्ट ऑन अटेंडेंस टू स्टूडेंट्स, इधर स्टूडेंट की टेबल से स्टूडेंट अपना रिकॉर्ड देख सकें और अटेंडेंस की टेबल से स्टूडेंट अपना रिकॉर्ड देख सकें। अल्टर एंड रीनेम कमांड यूज, अल्टर टेबल स्टूडेंट एड एज इंट नॉट नल, स्टूडेंट की टेबल में मैंने एक कॉलम ऐड किया एड एज और इसका मैंने लिखा इंट नॉट नल। अब इधर मेरे कॉलम एक और ऐड हो गया स्टूडेंट की टेबल में, एज बाय डिफॉल्ट 00 आई है। अब मैं एज अपडेट करूंगा, अल्टर टेबल स्टूडेंट चेंज कॉलम एज स्टूडेंट एज इंट नॉट नल। पहले मेरा सिर्फ एज मैंने अपडेट किया था, मैं स्टूडेंट की एज को अपडेट करूंगा अपने कॉलम में स्टूडेंट के टेबल में। इधर 000 आया। अब मैं लिख रहा हूँ अपडेट स्टूडेंट सेट स्टूडेंट एज इज इक्वल टू 24 वेयर स्टूडेंट आई डी इज इक्वल टू 1, अपडेट स्टूडेंट एट सेट स्टूडेंट एज इज इक्वल टू 20 वेयर स्टूडेंट आई डी इज इक्वल टू 6153, अपडेट स्टूडेंट सेट स्टूडेंट एज इज इक्वल टू 26 वेयर स्टूडेंट आई डी इज इक्वल टू 76543, अपडेट स्टूडेंट सेट स्टूडेंट आई डी इक्वल स्टूडेंट एज इज इक्वल टू 22 वेयर स्टूडेंट आई डी इज इक्वल टू 432123, अपडेट स्टूडेंट सेट स्टूडेंट एज इज इक्वल टू 20 वेयर स्टूडेंट आई डी इज इक्वल टू 456941, अपडेट स्टूडेंट सेट स्टूडेंट एज इज इक्वल टू 21 वेयर स्टूडेंट आई डी इज इक्वल टू 880924242441। इस तरह मैंने बाकी भी अपडेट कर दिए सारा डेटा अपने अटेंडेंस के टेबल में, अपने स्टूडेंट के टेबल में मैंने बाकी डेटा भी अपडेट कर दिया। स्टूडेंट के टेबल में अब इनकी एज भी शो हो रही है 24, 20, 25, 26, 21, 22, 20, 21, 23, 28। एग्रीगेट में निकालूं कितने स्टूडेंट का मैंने डेटा लिखा है, सिलेक्ट काउंट स्टेरिक फ्रॉम स्टूडेंट, जितने भी मैंने डेटा स्टोर किया अपने स्टूडेंट के टेबल में मुझे सब का पता चल जाएगा कितना हुआ डेटा स्टोर किया मैंने। मैंने 10 स्टूडेंट्स का डेटा स्टोर किया अपने स्टूडेंट के टेबल में, सेलेक्ट एवरेज स्टूडेंट फ्रॉम स्टूडेंट, इनकी मैंने एवरेज एज कैलकुलेट की है, एवरेज एज जो है 22.200 इनकी एवरेज एज है। सेलेक्ट मैक्सिमम स्टूडेंट एज फ्रॉम स्टूडेंट, इसकी मैक्सिमम एज होगी वो बताएंगे इस क्यूरी के थ्रू, इस क्यूरी के थ्रू हमें मैक्सिमम एज पता चलेगी स्टूडेंट की 26 है। और मिनिमम के लिए लिखा मैंने सेलेक्ट मिनिमम स्टूडेंट एज फ्रॉम स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स मेरा स्टूडेंट का टेबल है और मिनिमम एज लिखी हुई आगे 20। मैं आपको दिखा भी देता हूँ जो मैं 26 मैक्सिमम है और 20 मिनिमम है, 26 मैक्सिमम है देख लें और 20 मिनिमम है 80,000। जॉइंस की क्यूरी यूज कर रहा हूँ, सिलेक्ट स्टूडेंट डॉट स्टूडेंट आई डी अटेंडेंस डॉट स्टेटस फ्रॉम स्टूडेंट, इनर जॉइन यूज हो रहा है, इनर जॉइन अटेंडेंस ऑन स्टूडेंट डॉट स्टूडेंट आई डी इज इक्वल टू अटेंडेंस डॉट स्टूडेंट आई डी। इस क्यूरी के अकॉर्डिंग हमें स्टूडेंट आई डी और इसका स्टेटस ही होगा, स्टूडेंट आई डी है और बाकी इनका हमें स्टेटस पता चल जाएगा ये प्रेजेंट है या एबसेंट है। अब मैंने असेंडिंग ऑर्डर की क्यूरी यूज किया जिससे मेरा डेटा असेंडिंग ऑर्डर में हो जाएगा, स्टूडेंट आई डी मेरी असेंडिंग ऑर्डर में हो जाएगी। सेलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम स्टूडेंट ऑर्डर वाइज स्टूडेंट आई डी, अब ये जो मेरी स्टूडेंट आई डी है सारी सीक्वेंस वाइज होगी, ऑर्डर वाइज होगी है, ऑर्डर्ड बाय डिसेंडिंग ऑर्डर। अब मैं डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख रहा हूँ, सेलेक्ट स्टूडेंट नेम स्टूडेंट एज फ्रॉम स्टूडेंट ऑर्डर बाय स्टूडेंट नेम डिसेंडिंग ऑर्डर, स्टूडेंट एज 22, 24, 21, 23, 20, 20, 21, 20, 26, 25। वेयर क्लास की मैंने क्यूरी यूज किया, सेलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम स्टूडेंट वेयर स्टूडेंट एज इज इक्वल टू 22। अगर हमने कोई स्पेसिफिक डेटा फाइंड करना हो हम इस तरह क्यूरी यूज करते हैं, सेलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम स्टूडेंट, स्टूडेंट के टेबल में से स्टूडेंट एज इज इक्वल टू 20 उसका हमें डेटा शो हो जिसकी एज 22 है।
इसलिए मैंने बाकी भी किया सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट वेयर स्टूडेंट एज इज इक्वल टू 25। जिनकी एज 25 है उनका मुझे डेटा शो होगा सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट वेयर स्टूडेंट एज इज इक्वल टू 22। इधर मुझे 22 जिनकी एज उनका होगा इधर सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट वेयर स्टूडेंट एज इज इक्वल टू 23। इधर मुझे उनका डेटा शो होगा जिनकी एज 23 है। और ऑपरेटर की मैंने क्यूरी यूज की है सिलेक्ट स्टूडेंट नेम स्टूडेंट एज फ्रॉम स्टूडेंट वेयर स्टूडेंट एज इज इक्वल टू 19 और स्टूडेंट एज इज इक्वल टू 30। और के ऑपरेटर में हमारी एक कोई क्यूरी ट्रू होनी चाहिए एंड की कमांड में जो है हमारी दोनों मस्ट ट्रू होनी चाहिए और के ऑपरेटर में हमारी एक कोई स्टेटमेंट ट्रू होनी चाहिए। सिलेक्ट स्टूडेंट नेम स्टूडेंट एज फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर स्टूडेंट एज इज इक्वल टू 19 और स्टूडेंट एज इज इक्वल टू 30। सिलेक्ट करें स्टूडेंट एज इनकी 19 है या 30 है, इनमें से कोई एक स्टेटमेंट ट्रू होनी चाहिए और की ऑपरेटर में ऑपरेटर में मस्ट है दोनों हमारी स्टेटमेंट ट्रू होनी चाहिए। एंड ऑपरेटर यूज हुआ है एंड ऑपरेटर में हमारी दोनों कमांड ट्रू होनी चाहिए। सिलेक्ट स्टूडेंट नेम स्टूडेंट आईडी स्टूडेंट एज फ्रॉम स्टूडेंट वेयर स्टूडेंट एज लेस देन 28 एंड स्टूडेंट एज ग्रेटर देन 21। हम सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट करते तो हमारे पूरा स्टूडेंट का डेटा शो हो जाता है जो हमारे टेबल में स्टोर है। हमने स्पेसिफिक लिखा सिलेक्ट स्टूडेंट नेम स्टूडेंट आईडी स्टूडेंट एज फ्रॉम स्टूडेंट वेयर स्टूडेंट एज लेस देन 28 एंड स्टूडेंट एज ग्रेटर देन 21। अब हमें उनका डेटा शो होना चाहिए जिनकी एज लेस देन 28 से और ग्रेटर है 21 से। एंड ऑपरेटर में हमारी दोनों स्टेटमेंट मस्ट ट्रू होनी चाहिए और ऑपरेटर में हमारी एक स्टेटमेंट भी ट्रू होगी तो हमारी क्यूरी चल जाएगी। एंड ऑपरेटर में हमारी दोनों स्टेटमेंट ट्रू होनी चाहिए और ऑपरेटर में हमारी एक स्टेटमेंट ट्रू हो तो हमारी क्यूरी चल जाएगी। नॉट ऑपरेटर सिलेक्ट स्टूडेंट नेम स्टूडेंट आई डी स्टूडेंट एज फ्रॉम स्टूडेंट वेयर नॉट स्टूडेंट एज इज इक्वल टू 22। अब हमें उनका डेटा शो होना चाहिए जिनकी एज 22 नहीं है। इधर शो हो गया स्टूडेंट एज 24 20 25 26 21 20 21 23 20।